जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, जिसका नाम हमने दिया है टॉप एमसीक्यू सीरीज यानी टारगेट ऑन प्रीलिम्स, यह जो सीरीज है इसके तहत हम भारतीय इतिहास के विषय को देख रहे हैं और भारतीय इतिहास के विषय को हम संपूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास इसमें कर रहे हैं। और जो इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, कोशिश यह भी है कि इतिहास को पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रश्नों का भी अध्ययन कराया जाए ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। अगर आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में अगर जुड़े हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की हमेशा प्रयास यही रहा है कि अपने छात्रों को बेहतर चीज़ें डिलीवर करना और उन्हें उसे योग्य बनाना कि वो जो प्रारंभिक परीक्षा सीजीपीएससी की देने वाले हैं वह क्रैक करें और आगे चलकर सफल हों। ठीक इसी प्रयास को हम बढ़ाते हुए अभी जो भारतीय इतिहास का विषय देख रहे हैं उसमें भारतीय इतिहास में हमने आधुनिक भारत की शुरुआत कर दी थी और आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोप हमने देखा। यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशर्स यहां पर आते हैं और ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली यहां पर आए, इन सब चीजों को हमने देखा। और फिर हमने देखा कि यहां पर फ्रांसीसी तो चले गए, पुर्तगाली भी चले गए, डच भी चले गए, डेनिश भी चले गए, कोई नहीं बचा। तो कौन बचा? ब्रिटिश बचे। और ब्रिटिश जो हैं अब अपने साम्राज्य विस्तार पर फोकस करेंगे, साम्राज्य इंपीरियलिज्म की शुरुआत ये करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि अपने व्यापार पर इनका ज्यादा केंद्रीकरण था, यानी व्यापार पर ये लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा फोकस कर रहे थे, केंद्र बिंदु वही था व्यापार, कि हमें क्या करना है, व्यापार करना है, व्यापार के अलावा हमें यहां से जितनी ज्यादा इनकम हो सके, आय हो सके, और जो आय हो या राजस्व वसूला जाए उस पैसे को कहां भेजा जाए, ब्रिटेन या लंदन भेजा जाए। अब देखेंगे कि जब ये लोग साम्राज्य विस्तार करेंगे तो साम्राज्य विस्तार में इनके द्वारा मराठों से युद्ध बंगाल में और मैसूर साम्राज्य, ये तीनों क्षेत्र को ये एनेक्स कर लेंगे, जीत लेंगे। इसी को अब आज हमें समझना है कि ये तीनों क्षेत्र उन्होंने कैसे जीते, कौन कौन से मराठों के साथ या मैसूर में या बंगाल में इनकी लड़ाइयां हुई, इसे हमको जानना है। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मराठा से। मराठा को बिल्कुल जीरो से पकड़ते हुए चलेंगे और जीरो से लेकर हम लोग आगे जब तक इनकी मराठों के और अंग्रेजों की जो लड़ाइयां होती है वहां तक हम लोग चीजों को ले आएंगे। क्लियर है? तो साथ ही साथ प्रश्नों को भी देखेंगे और टॉपिक को भी आगे बढ़ाते चलेंगे। तो तैयार है सभी? तो यस करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जी सर तैयार है। और मैं यहां पर चीजों की शुरुआत करता हूं, टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक, चलिए यहां पर मैंने बात की कि हमको जो स्टार्ट करना है मराठा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में, सबसे पहले हमको पढ़ना है मराठा के बारे में, मराठा किंगडम, मराठा साम्राज्य के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, और मराठा साम्राज्य की जब भी बात होती है तो हम एक नाम लेना कभी नहीं भूलते, वह नाम है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक, तो शिवाजी के बारे में हमको पढ़ना है, शिवाजी के बारे में हमको जानना है, क्योंकि शुरुआत जो मराठा साम्राज्य की शुरुआत की थी वो शिवाजी ने ही की थी। ठीक, और जो मराठा साम्राज्य जो अटक से लेकर कटक तक, अफगानिस्तान से आपको भुवनेश्वर तक के क्षेत्र में जो दिखेगा वो आगे चलकर शिवाजी के ही जो पेशवा होंगे उनके द्वारा ये सब चीजें की जाएंगी। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिवाजी के बारे में और शिवाजी के एक जीवन परिचय को हम देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें शिवाजी की तो शिवाजी के जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनका जन्म वर्ष 1627 में 1627 में या 1630 में 1630 में सिवनेर के किले में हुआ था। सिवनेर के फोर्ट में किले में इनका जन्म हुआ था और सिवनेर के किले में जन्म होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा, शिवाजी पड़ा। ठीक, अब सिवनेर के किले में जब इनका जन्म हुआ तो यहां पर देखिए दो डेट है, 1627 और 1630। पुरानी पुस्तकों में 1627 दिया गया है परंतु नवीन जो पुस्तकें आ रही हैं उसमें 1630 लिया जा रहा है। ठीक, तो 1627 और 1630 दोनों डेट को, ईयर को आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, 1627 1630 दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में जो रहेगा उसके हिसाब से आप टिक लगाएंगे। क्लियर है। अगर इनके पिता की अगर मैं बात करूं, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, पिता का नाम है शाहजी भोसले। ठीक, शाहजी भोसले की अगर बात करें तो ये शाहजी भोसले जो है पुणे में एक जागीरदारी संभाल रहे थे बीजापुर शासक के अंडर। ठीक है, उनके अधीन ये कार्य किया करते थे। ठीक, पिता शाहजी भोसले। माता की अगर हम बात करें तो माता का नाम था जीजाबाई। ठीक, इसके अलावा शिवाजी बनाया, ठीक, जिन्होंने राजनीति सिखाई, उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि उनके एक राजनीतिक गुरु जिन्होंने इनको युद्ध कला में पारंगत किया, उनका नाम था दादाजी कोंडदेव उनका नाम था। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखते जाइए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, जो भी टॉपिक विषय को हम डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से देखिए। इसके अलावा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, मेंटर, जिनका नाम था गुरु रामदास। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गुरु रामदास जो है किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे और किस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। मैंने पूछा कि ये जो गुरु रामदास ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, यहां समझ रहे प्रश्न को। ठीक, तो ये क्या हुए, इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास। पत्नी का जो नाम हमें मिलता है शिवाजी की पत्नी का नाम, वह है साईबाई। ठीक, चलिए अब शिवाजी ने जब अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू किया, ठीक है, जब अपने विजय अभियान चालू किए तो सबसे पहले उनका युद्ध या उनकी टकरार जो होती है वो होती है मुगलों से, क्योंकि शिवाजी के जीवन काल को जब हम देख रहे हैं तो इस समय मुगलों का ही शासन चल रहा था और मुगलों के शासन के अधीन ही धीरे धीरे शिवाजी के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। और इन्होंने अपनी सेना में जिन लोगों को यहां पर रखा, उन्होंने एक मराठा साम्राज्य के लिए, हिंदू साम्राज्य के लिए अपने जीवन को निरछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे, यानी बहुत अच्छी सेना उन्होंने तैयार कर ली थी। ठीक, चलिए यहां पर अगर हम उनके विजय अभियान की अगर बात करें तो हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1643 में सबसे पहले एक सिंहगढ़ का किला उन्होंने जीता।
सिंगड़ के किले को जीतने के पश्चात ये रुके नहीं और 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता, तोरण का किला जीता। अब यहां पर शिवाजी जो है एक किले जीते, दो किले जीते और जैसे वो क्रमानुसार किले को जीतते गए तो इनके मन में जो उत्साह था वो बढ़ता चला गया कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और सही बात है कि शिवाजी को जो महाराष्ट्र से लेकर आगे जब वो बढ़ेंगे तो इन्हें कोई रोक नहीं भी पाएगा। इसी समय हमें जानकारी मिलती है कि 1658 के आसपास मुगल शासक यहां पर परिवर्तित होंगे और औरंगजेब का शासन शुरू हो जाएगा। और औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब क्या था, एक बहुत ज्यादा क्रूर शासक था। मैंने बताया था मुगलों के समय में कि औरंगजेब एक सबसे क्या है, क्रूर शासक है। और औरंगजेब को जैसी जानकारी मिलती है कि एक मराठा साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं शिवाजी, तब उन्होंने बीजापुर के राजा को कहा कि आप जल्द से जल्द इन्हें रोकने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ये जो धीरे धीरे महाराष्ट्र से अगर ये दिल्ली तक पहुंच गए तो दिल्ली को भी एक दिन अपने अधीन कर लेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने बीजापुर के शासक को कहा और बीजापुर के शासक ने सबसे पहला निर्णय लिया और अपने एक वफादार सेनापति को भेजा जिसका नाम था अफजल खां, याद रखेंगे, ठीक। यहां पर जब इनका विजय अभियान चल रहा था उस समय सबसे पहले 1659 में अफजल खान को भेजा गया। बीजापुर के शासक ने अफजल खान को भेजा। अब यहां पर अफजल खान पूरी अपनी सेना लेकर जाता है शिवाजी के पास और शिवाजी को वह लगता है कि इसे आसानी से मैं पकड़ लूंगा। परंतु अगर शिवाजी की अगर बात करें तो उनको गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध में कुशलता हासिल थी और शिवाजी को पकड़ना आसान भी नहीं था क्योंकि वो जिस समय जो किले में रहते थे वो बहुत ऊंचाई में रहता था, ठीक है, ऐसे जंगल भरे क्षेत्रों में हमेशा उनका रहना होता था। तो यहां पर ये चीज जानते थे कौन, अफजल खान। तो अफजल खान ने सोचा शिवाजी से अगर लड़ा नहीं जा सकता तो क्यों ना पहले इनसे बातचीत की जाए। और इसी बातचीत के लिए शिवाजी को बुलाया जाता है और शिवाजी और अफजल खान के बीच में एक बातचीत होने के लिए एक टेंट बनाया जाता है। उस टेंट में ही दोनों को मिलना था। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए, शिवाजी जब यहां पर अफजल खान से मिलने जा रहे थे उसके पहले ही उनको एक जानकारी लग गई थी कि अफजल खान जो है कोई समझौता या बातचीत करने नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो आया था युद्ध लड़ने परंतु कहीं ना कहीं अब युद्ध नहीं लड़ रहा है तो कुछ ना कुछ धोखा जरूर यह देगा अफजल खान। इस बात की भनक लग गई थी शिवाजी को और शिवाजी ने अपनी भी तैयारी कर ली। उन्होंने एक चिलखत पहना, चिलखत लोहे का होता था, पहले के समय में लोहे की जालीदार पट्टी होती थी जिसे सामने और पीछे उन्होंने पहना और ऊपर एक लोहे का कैप पहना, ठीक है, एक मुकुट नुमा आकृति का उन्होंने कैप पहना और ये चले गए अफजल खान से मिलने। अफजल खान जो है शिवाजी का इंतजार कर रहे थे। अफजल खान की अगर बात करूं तो 7-8 फीट का उसका ऊंचाई था, शिवाजी की उतनी हाइट नहीं थी, 5 या 6 फीट के लगभग उनकी हाइट थी और अफजल खान बहुत ऊंचा था। अफजल खान और शिवाजी आमने सामने बैठते हैं, बातचीत होती, चर्चाएं होती हैं। उसी चर्चा के बाद जब अफजल खान को शिवाजी से गले मिलना होता है तो उसी समय अफजल खान, जो शिवाजी को पता था कि यह धोखा देगा, वही धोखा भरा वाला काम करने वाला, यानी
पीठ में छुरा घोपने वाला काम करने वाला था। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया अफजल खान ने कि नहीं, पहले इसको सिर से ही मारा जाए, सिर में ही चाकू चलाया जाए। तो यहां पर जैसे सिर में चाकू चलाने का प्रयास अफजल खान करता है तो सिर में तो पहने हुए थे लोहे का मुकुट, कोई असर नहीं हुआ। फिर तुरंत उन्होंने उनके पीठ के पीछे मारने का प्रयास किया और पीठ में जैसे ही मारने का प्रयास किया तो वहां चिलखत था। वो बार बार मारने का प्रयास करे अफजल खान, बट शिवाजी को कुछ हुआ ही नहीं। और शिवाजी यहां तक क्या हुए, संभल गए। उनको पता चल गया कि अफजल खान क्या कर रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहा है। और शिवाजी को जैसे पता चला तो शिवाजी ने उस समय अपना औजार निकाला, ठीक है अभी तक आप नहीं जा रहे थे, अभी तो चिलखत और इसके बारे में सुना, तो शिवाजी कैसे मारेंगे, क्योंकि भाई यहां तो एक गले मिले हुए हैं, दोनों गले मिले हुए हैं और गले में बांध कर, यानी अफजल खान जो है इन्हें बाजुओं में बांध कर रखा हुआ है। तो शिवाजी ने उस समय जो हथियार रखा था वो हथियार था, याद रखेंगे शिवाजी के पास जो हथियार था उसको कहते हैं बाघनख, बाघनख, ठीक। ये बाघनख जो है उन्होंने अपने उंगलियों में पहना हुआ था, उंगलियों में पहनने से ऐसा लगता था कि सामने क्या है अंगूठियां हैं, और यहां होता था एक नाखून, बाघ की नाखून की तरह लोहे की बने हुए उसमें नुकीले औजार। इन्हीं नुकीले औजारों से जैसे वो गले लगा था अफजल खान, उसी समय जब अफजल खान वार करना चालू किया उसी समय शिवाजी ने इन्हीं बाघ नख से पूरा अफजल खान के पूरे शरीर को इसने फाड़ दिया और वहीं अफजल खान की एक बार में मौत हो गई। ठीक है, अफजल खान अपने आप को चालाक समझ रहा था, परंतु शिवाजी जानते हैं ये जो मुगल और ये बीजापुर के जो शासक हैं ये कभी मेरे से समझौता करने नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तो उनके क्षेत्र को जीत रहा हूं भाई, उनके किलों को हड़प रहा हूं मैं, तो कभी मेरे से बातचीत करने नहीं आएंगे। ठीक, तो ऐसा शिवाजी ने अपने बाघ नख से मार दिया, पूरा फाड़ दिया उसके शरीर को, खत्म कर दिया एक ही बार में अफजल खान, और 6-8 फीट का वो अफजल खान एक बार में खत्म। ठीक, कहा तो यह भी जाता है कि जैसी जानकारी हुई कि अफजल खान मारा गया तो अफजल खान के कुछ एक दो सेनापति और सैनिक दौड़ पड़े शिवाजी को मारने और शिवाजी की जान की रक्षा करने। उस समय शिवाजी का एक खास जिसका नाम था जीवा ने शिवाजी की जान की रक्षा की और शिवाजी को उस समय बचाया। कहा जाता है कि ये जीवाजी नहीं होते तो शिवाजी नहीं होते। ठीक है, ये मराठा, जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनकी लोक कथाओं में, लोक गीतों में आपको मिलता है कि इस समय ना होता शिवाजी। ठीक, क्लियर है, ना होता जीवाजी तो ना होता शिवाजी, यानी जीवाजी का भी उन्होंने जब अदम्य साहस दिखाया और शिवाजी की जान की रक्षा की तो जीवाजी का भी एक इस समय योगदान हमको दिखता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, इस प्रकार से शिवाजी के समय में अफजल खान जो आया था, अफजल खान को जो भेजा गया शिवाजी को पकड़ के ला लो, है ना, जैसे वो है ना कि जाएंगे अपन कहीं भी शिवाजी घूम रहे होंगे पकड़ के ला लेंगे, ऐसे सोचे होंगे, नहीं हो सकता है ना, शिवाजी भी अपने समय के महारथी हैं, ऐसे ही वो किलो को नहीं जीत रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यहां अफजल खान क्या हुआ, मारा गया। 1659 में उसने अटैक किया था शिवाजी के ऊपर, बट शिवाजी को यह पकड़ नहीं पाया, उल्टा खुद मारा गया। अब यहां मुगल शासक औरंगजेब को सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए, अब बीजापुर का शासक तो नाकाम रहा, उसने तो बड़ा दंभ भरा था कि भाई मैं तो पकड़ लूंगा शिवाजी को, है ना, बट ये तो नाकाम हुआ। अब इसके बाद अगला निर्णय लिया औरंगजेब ने स्वयं, ठीक, औरंगजेब, और औरंगजेब ने उस समय अपने गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा, शाइस्ता खान, ठीक, औरंगजेब ने अपने गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा, शाइस्ता खान भी गया, इसने भी सोचा
कि शिवाजी को एक कैद कर लेगा, पकड़ लेगा, परंतु यह भी सफल नहीं हुआ और उल्टा ये शिवाजी के द्वारा घायल हो गया। शिवाजी से लड़ाई में, युद्ध में घायल हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस मुगल शासक के पास गया, जैसे तैसे जान बचाकर। क्लियर है? तो यहां पर दो लोग अटैक करने आ चुके हैं, अफजल खां और शाइस्ता खां। ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल है ना, मराठा को हम लोग शुरू से लेकर जा रहे हैं और खत्म भी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके पश्चात शिवाजी ने उस समय अंग्रेजों का जो केंद्र था, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक कोठिया जहां बनी हुई थी और जहां अच्छा खासा व्यापार होता था, उस केंद्र को उन्होंने लूटने का प्रयास किया। और हमको देखने को मिलता है कि 1664 में, 1664 में सूरत को प्रथम बार शिवाजी के द्वारा लूटा गया है ना। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द में जो चीजें लिख रहा हूं वो बिल्कुल क्वेश्चन बने हैं। प्रथम बार सूरत को लूटा गया ये चीज बता रहा हूं, तो ये भी क्वेश्चन बना था। समझिए आप ध्यान से चीजों को, ठीक है। जो जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मेरा प्रयास है कि आपको कहानियां भी बताते रहूं, ताकि आपको और जो उसका कॉन्सेप्ट है, क्यों लड़ाई हुआ, कौन मारा गया, ये भी आपको समझ में आता रहे, ठीक। चलिए, तो यहां पर देखिए 1664 में सूरत को प्रथम बार लूटा शिवाजी ने। अब देखिए 1665 की बात है, 1665 में औरंगजेब ने इस बार अपने मित्र जयसिंह को बुलाया और जयसिंह को भेजा शिवाजी के पास। इस समय अगर जयसिंह को देखे तो जयसिंह कोई कमजोर राजा नहीं है, ठीक। और जयसिंह ने इस बार शिवाजी को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। तो यहां पर शिवाजी ने जब जयसिंह को बंदी बनाया, जयसिंह ने शिवाजी को बंदी बनाया, तब यहां पर एक संधि और ट्रीटी होगी जयसिंह और शिवाजी के बीच, और यह संधि होगी पुरंदर के किले में, पुरंदर के किले में। और इस संधि को हम कहेंगे पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, याद रखेंगे संधि को हम कहेंगे। 1665 की एक संधि है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक, या पुरंदर की संधि, या पुरंदर की संधि। क्लियर है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि हम इसे कहेंगे, ठीक। इस संधि के अंतर्गत हमें देखने मिला कि यह संधि जो है शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। और इस संधि के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो था इस संधि का, वह यह था कि शिवाजी ने जो मुगलों के 23 किले जीत लिए हैं, जीते तो बहुत सारे थे, परंतु मुगलों के मुख्यतः रूप से 23 किले जो है उसे वापस कर दे, ठीक है। तो इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों के 23 किले वापस कर दिए, ठीक है। याद होगा आपने तानाजी मूवी देखी होगी। तानाजी में कुंडाणा का किला होता है, कुंडाणा का किला, जिसके लिए अजय देवगन जो है उसमें लड़ाई करता हुआ दिखता है आप उस पिक्चर में। तो जो तानाजी है वो उसी कुंडाणा का किला जो है इन्हीं 23 किलो में शामिल था। और उन्हीं 23 किलो में कुंडाणा का किला जो है यह मुगलों को दे दिया गया था। तो आप देखते हैं कि मुगलों का वह जो किला था वो शिवाजी के द्वारा वापस किया गया, और उसी कुंडाणा को, किले को वापस लेने के लिए आगे चलकर फिर लड़ाइयां होती है, उसी को उस पिक्चर में तानाजी मूवी में आपको दिखाया गया है, ठीक। चलिए, तो 1665 में क्या हुआ,
ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। इस पुरंदर की संधि में एक विशेष बात और थी कि शिवाजी को एक शर्त और दी गई थी कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ेगा। यह संधि में था और शिवाजी ने वह बात स्वीकार ली और शिवाजी अगले ही साल 1666 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में शिवाजी गए। ठीक, अब यहां पर होता क्या है, औरंगजेब के दरबार में जाने के बाद शिवाजी को जैसा सम्मान मिलना था, क्योंकि शिवाजी क्या है भाई, महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य के एक राजा हैं, उस साम्राज्य के एक राजा हैं, तो राजा को राजा की तरह सम्मान मिलना चाहिए, और वैसा सम्मान औरंगजेब ने नहीं दिया। और औरंगजेब ने जब शिवाजी को यह सम्मान नहीं दिया तो शिवाजी ने उस समय दरबार को छोड़कर जाने लगे, और जब दरबार को छोड़कर जा रहे थे तो औरंगजेब ने शिवाजी को उस समय गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और एक भवन में जिसका नाम है जयपुर भवन में उनको रख दिया। ठीक है, याद रखेंगे शिवाजी को कैद करके, ये प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी को कैद करके जहां रखा गया था उसका नाम है जयपुर भवन में कैद करके रखा गया। कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, यहां पर जितने भी अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताइए ये जयपुर भवन कहां स्थित है, जयपुर भवन जहां शिवाजी को कैद करके रखा गया था ये जगह कहां है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्लियर है। अब यहां पर हुआ क्या, शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया, और जयपुर भवन में रखने के पश्चात शिवाजी को ज्यादा समय तो ये रख नहीं पाएंगे। ठीक है, और शिवाजी क्या हुआ, एक बार फलों की एक टोकरी थी उस टोकरी के अंदर छुपकर निकल गए। ठीक, और वापस चले गए कहां, महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में जाने के बाद उन्होंने वापस अपने जितने किले मुगलों को दिए थे उतने किले को वापस उन्होंने जीत लिया, यानी 23 किले जो थे उनको वापस उन्होंने फिर जीत लिए, यानी मुगल शासकों के नाक में बिल्कुल एकदम दम करके रखे, बिल्कुल मुगल एकदम परेशान है। औरंगजेब भी बार बार प्रयास कर रहा है शिवाजी को पकड़ने का, बट शिवाजी भी पकड़ में नहीं आ पा रहे। और इसी क्रम में हमको देखने मिलता है कि शिवाजी ने वर्ष 1670 में सूरत को दूसरी बार लूट लिया, सूरत को दूसरी बार उन्होंने क्या कर लिया, लूट लिया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे सूरत को दो बार शिवाजी ने कब लूटा, 1664 में, और दूसरा था 1670 में, दो बार शिवाजी ने सूरत को लूटा था। और सूरत को क्यों लूट रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, एक व्यापारिक केंद्र है, यहां पर अच्छे खासे पैसे और धन संपदा मिलती थी, इस कारण से उसे लूटा जाता था। डन है यहां तक चीजें, चलो आगे हमको देखने मिलता है कि अभी जो शिवाजी है राजा के रूप में अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक नहीं करवाए हैं। मैं क्या बोला, अभी जो है शिवाजी अपना राज्याभिषेक कोरोनेशन नहीं करवाए हैं। तब हमें देखने को मिलता है कि 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होगा, कोरोनेशन सेरेमनी, शिवाजी का राज्याभिषेक, ठीक, कोरोनेशन सेरेमनी हमको देखने को मिलेगा, क्लियर है। ठीक, ये राज्य अभिषेक के लिए विशेष रूप से बनारस से एक पंडित को बुलाया जाएगा, बनारस से, क्योंकि बनारस में आज भी आप देखेंगे विश्वविख्यात पंडित आपको देखने मिलते हैं, और शिवाजी को अगर देखें तो ये क्या है, हिंदू है, इसी कारण से विशेष रूप से बनारस से एक पंडित को बुलाया गया जिनका नाम था गंगभट्ट। ठीक, और गंगभट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। ठीक,
इसके पश्चात हमको देखने मिलता है कि शिवाजी अब कोई बड़े अभियान नहीं करते। उनका अंतिम अभियान हमको देखने मिलता है वह होता है सीधियों के खिलाफ। सीधियों के खिलाफ इनका एक अंतिम अभियान होगा, ठीक है। तो कहा जाता है 1678 में इन्होंने अपना एक अंतिम अभियान, लास्ट एक्सपेडिशन, अंतिम अभियान इन्होंने किया था, और वह किया था सीधियों के खिलाफ। सीधियों के खिलाफ, सीधियों के खिलाफ, और सीधियों के खिलाफ इस अभियान के पश्चात 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाएगी, मृत्यु। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इतने पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। इस प्रकार से शिवाजी के जीवन परिचय को और उनके समय के कुछ अभियानों को हमने देख लिया, ठीक। कमेंट सेक्शन में जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं एक जवाब का आंसर दे देंगे शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी, है ना। जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में आप बताएंगे अष्टप्रधान में कौन कौन से अधिकारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया अष्टप्रधान के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अष्टप्रधान कौन थे और कौन कौन से अधिकारी थे, फिर मैं आगे चीजों को बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, तब तक आप अष्टप्रधान के भी आंसर दें और इसके भी जवाब दीजिए, ठीक है। बताइए मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, निम्न में से कौन सा कारण सही है मराठा साम्राज्य से संबंधित, ठीक है। सभी बताएंगे जल्दी कमेंट सेक्शन में, सभी छात्र बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे, ठीक। सभी इसका आंसर बताएंगे, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है, ठीक है। सभी आंसर देंगे इस चीज का। चलिए देखिए, अगर हम बात करें मराठों की उत्कर्ष की या मराठा साम्राज्य की, कि मराठा साम्राज्य क्यों बना, तो सबसे पहला चीज है कि भाई जो धार्मिक चेतना, धार्मिक चेतना का जो विकास हुआ वह एक कारण है। धार्मिक चेतना का मतलब कि उस समय मुगलों के शासन में और औरंगजेब के शासन में विशेष रूप से आपको देखने मिलेगा कि इस्लामीकरण हो रहा था, इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा था, और जो अन्य धर्म के लोग थे उन्हें उस प्रकार से सम्मान नहीं मिल रहा था। तो जितने भी अन्य धर्म के लोग थे, विशेष रूप से हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी लोग थे, उनमें के मन में हिंदू धर्म को स्थापित करने का एक विचार लाने वाले कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इसी कारण उस समय उनके मन में एक धार्मिक चेतना का विकास हुआ। साथ ही साथ उस समय हमें देखने को मिलता है कि तुकाराम, रामदास, इस प्रकार के जो लोग थे उनके द्वारा समानता का एक भाव पैदा किया जा रहा था, और जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया, ठीक। उसका भी एक प्रभाव हमको देखने मिला, ठीक है। तो धार्मिक चेतना उस समय आ रही थी, सही है। भौगोलिक सुरक्षा, भौगोलिक सुरक्षा, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वह पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। एक तरफ आपको सह्याद्री देखने मिलता है, एक तरफ आप आएंगे विंध्याचल की तरफ आए तो ये पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र था। नदियां हैं, गोदावरी नदी, ये सब आपको देखने मिलती हैं, ठीक है। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण एक सुरक्षित भौगोलिक क्षेत्र भी था, जहां पर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आने से पहले 10 बार सोचता था। और अगला जो है वन वाले क्षेत्र, वन क्षेत्र बहुत ज्यादा, जंगल बहुत ज्यादा थे, बहुत घने घने जंगल होते, जैसे बस्तर के जंगल में देखने मिलते ना वैसे ही बिल्कुल घने क्षेत्र थे, कोई भी एंटर नहीं कर पाता। राजनीतिक जागृति, यही काम तो किए थे भाई शिवाजी, राजनीतिक रूप से मराठाओं को इकट्ठा करने का काम शिवाजी ने ही किया था, और एक मराठा नाम देने का काम, मराठा मानुस नाम देने का काम शिवाजी ने किया। इसीलिए महाराष्ट्र में हर कोई अपने आप को मराठा मानुस कहलाना पसंद करता है, और एक मराठा का नाम भी दे दिया जाता तो इससे क्या होता है कि लोगों में एक समानता का भाव आ जाता है, कोई वहां पर अलग अलग धर्म जातियों के नाम से नहीं भी जाना जाता। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, जवाब होगा, ठीक। चलिए अब यहां पर हम देखें शिवाजी के मृत्यु के पश्चात क्या क्या चीजें बदलेंगी और क्या घटनाक्रम होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने देख लिया,
अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात हमको देखने मिलेगा, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कि उनके जो बड़े बेटे होते हैं उन्हें शासन मिलता है, जिनका नाम होता है संभाजी। संभाजी, संभाजी, और उनके एक और बेटे होते हैं जिनका नाम होता है राजा राम। राजा राम, ठीक, राजा राम। शिवाजी के दो बेटे संभाजी और राजा राम। इसके पश्चात संभाजी जब शासन शुरू करते हैं तो ये शुरू करते हैं 1680 से लेकर 89 तक। 1680 से लेकर 89 तक, ध्यान समझिए। यहां पर मराठा साम्राज्य को पढ़ने में आपको बुक्स में दिक्कत होंगी, तो मैं जितना बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। देखिए अब यहां पर होता क्या है, संभाजी के टाइम में आप देखिए 1680 से 89 नौ साल केवल शासन कर पाते हैं और 89 में इनकी मृत्यु हो जाती है। होता क्या है उसको समझिए, ठीक। तो ये बात उस समय की है जब औरंगजेब का एक विद्रोही बेटा अकबर सेकंड, ठीक है, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, ठीक, इस समय विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ। और औरंगजेब से विद्रोह करने के पश्चात ये अकबर द्वितीय जो है संभाजी से सहायता मांगने आ जाता है। और अकबर द्वितीय की सहायता करने के कारण संभाजी को इस बार औरंगजेब मारने का प्रयास करते हैं और जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ और संगमेश्वर के किले के पास संभाजी की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। और कहा तो यह भी जाता है कि औरंगजेब ने इस प्रकार संभाजी की हत्या की कि उनके पूरे शरीर को फाड़कर उनके खाल में उन्होंने क्या कर दिया, भूसा भर दिया। इस तरह उन्होंने इनकी हत्या की ताकि कोई भी औरंगजेब के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत ना करे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, संभाजी की हत्या कर दी थी। और संभाजी का जो पुत्र था जिसका नाम था साहू जी, इसे अपने साथ ले गया। साहू जी को अपने साथ ले गया और आगरा में ले जाकर कैद कर लिया। समझ में आ रही क्या बातें बता रहा हूं। शिवाजी के दो बेटे संभाजी, राजा राम, संभाजी को शासन मिला। संभाजी 1680 से लेकर 89 तक शासन करेंगे, परंतु 1689 में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब की हत्या करने के पश्चात साहू जी को कैद कर लिया गया। साहू जी कहां है, जेल में। ध्यान रखिए साहू जी कहां है, जेल में है, जेल में, ठीक है, कैद में है, औरंगजेब की कैद में, ठीक। अब देखिए राजा राम, अब यहां पर तो संभाजी के बाद कोई है नहीं, तो अगला शासन किसे मिलेगा, राजा राम को। और राजा राम जो है 1689 से लेकर 1700 तक शासन करेंगे और इनकी भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। राजा राम की मृत्यु के पश्चात इनका बेटा आएगा जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, क्योंकि अल्पवयस्क है, बहुत ही छोटा है, बालक है, अभी युवा नहीं हुआ है, ना शासन संभाल सकता है। इस कारण से राजा राम की पत्नी ताराबाई, राजा राम की पत्नी ताराबाई यहां पर नेतृत्व तो करती है। राजगद्दी पर बैठा कौन होता है, शिवाजी द्वितीय, परंतु नेतृत्व तो करने वाली महिला कौन होती है, ताराबाई, जो राजा राम की पत्नी है। ध्यान रखेंगे राजा राम की पत्नी, विधवा पत्नी, जिसका नाम क्या है, ताराबाई। तो यहां पर शासन कौन संभाल रहा है, ताराबाई, बट बैठा कौन है, शिवाजी। तो यहां पर ये 1700 से लेकर 1707 तक ये शासन करते हैं। अब आगे क्या होता है उसे ध्यान समझ, याद होगा कि औरंगजेब की मृत्यु भी 1707 में हो जाती है और 1707 में मृत्यु के पश्चात अगला जो शासक आता है वो होता है मुअज्जम या बहादुर शाह, ठीक। अब बहादुर शाह को मैंने एक टाइटल दिया था, कमेंट सेक्शन में जो बच्चे पढ़े हैं वो बताएंगे बहादुर शाह का अन्य नाम क्या था। मुअज्जम तो रियल नाम था, और किस नाम से जाना जाता था, ठीक, जहां तक मुझे लग रहा है सही जवाब आप दे रहे होंगे। तो बहादुर शाह जिस नाम से जाना जाता था वह था शाह ए बेखबर। क्या कहा जाता था,
साह एक बेखबर, उसको कुछ खबर ही नहीं होती थी कि दुनिया में क्या चल रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, प्रशासन में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। एक मुगल शासक है, मुगल शासक औरंगजेब के पास सत्ता संभालने आया, बट बिल्कुल खबर नहीं कि दुनिया में उसे क्या हो रहा है। ठीक उसी शाह बेखबर के समय में होता यह है कि एक बार बहादुर शाह के द्वारा कहा जाता है अपने सेनापतियों को कि आप जाओ और मराठा शासक जो भी होगा उसे आप पकड़कर लेकर आओ, ठीक मेरे सामने लेकर आओ। तो उसके सेनापति बताते हैं राजा जी आपको कहीं मुगल शासक को पकड़ने नहीं जाना है, आपके पिता औरंगजेब ने साहू जी को कैद करके रखा है और मराठाओं को तो हमने पहले ही, मराठा जो वंशज है राजा है उसको पहले ही कैद कर लिया, और वहां जो बैठा हुआ अल्पवयस्क राजा है उसको क्या पकड़ेंगे, लड़का है वो तो एकदम बच्चा है उसको क्या पकड़ेंगे हम, तो यहां पर अपन पकड़ेंगे किसको, साहू जी को, और साहू जी तो हमारे पास पहले से ही। तो ऐसा बेखबर इंसान था, उसको पता ही नहीं था मराठा वंश का अगला शासक तो उसी के पास था। ठीक अब सेनापति जानकारी दिए तो बुलाए साहू जी को, साहू जी और यहां पर सामने कौन है बहादुर शाह, दोनों में चर्चा हो रही है। बहादुर शाह ने बोला साहू जी को मैं आपको प्रस्ताव देता हूं, आप जाइए मराठा शासक के रूप में वहां बैठिए और मराठा साम्राज्य को मुगलों के अधीन या मुगलों के क्षेत्र में विलय कर दीजिए। यह प्रस्ताव किसको दिया गया, साहू जी को, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कैसे आजाद कर दूंगा, ऐसा एक प्रस्ताव दिए। अब साहू जी सोचे एक बार निकलने भर तो दो, एक बार मैं निकलूं तो यहां से कैसे, फिर कभी वापस ही नहीं आने वाला, ये पता है साहू जी को। ठीक है और साहू जी बोले हां ठीक है मैं जाता हूं मराठा साम्राज्य का विलय कर दूंगा, और यहां से साहू जी निकल गए। साहू जी जब यहां से निकले, ध्यान समझिए एक एक पॉइंट आप समझिए, है ना, एक एक पॉइंट आप ध्यान समझते जाइए, क्लियर है, नहीं समझ में आएगा एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, साहू जी यहां से निकल गए और साहू जी जब यहां मराठाओं के पास पहुंचे अपना साम्राज्य लेने तो क्या देखते हैं, शिवाजी द्वितीय यहां पर शासन बैठा हुआ है, और शिवाजी द्वितीय को यहां पर सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं हम खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध लड़ा, और ये खेड़ा का युद्ध लड़ा गया वर्ष 1707 ईस्वी में, खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध शिवाजी द्वितीय नहीं लड़ेगा, वो छोटा सा बालक है, वो क्या लड़ेगा, ताराबाई और साहू जी के बीच यह युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच, ताराबाई और साहू जी के बीच, जिसमें साहू जी को विजय हासिल हुई, और साहू जी को विजय हासिल होने के पश्चात साहू जी का शासन चालू हुआ, और साहू जी जो हैं 1707 से राजगद्दी पर बैठेंगे और 1748 तक इनका शासन चलेगा, 1748। ठीक क्लियर है कि नहीं, यहां तक चीज समझ में आई भाई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, यहां पर मैंने बताया, एक बार आपको और रिवाइंड कर दूं बिल्कुल शॉर्ट में, ध्यान समझिए, संभाजी शिवाजी के बेटे, संभाजी शासन करने आए, 9 साल शासन किए, उसके बाद औरंगजेब के द्वारा हत्या हुई, औरंगजेब के बाद हत्या होने के पश्चात राजा राम राजगद्दी पर बैठे, राजा राम राजगद्दी पर बैठे उस समय यह था कि साहू जी कहां कैद थे, औरंगजेब के पास कैद में, जेल में उन्हें रख दिया गया था। इसके बाद राजा राम के बाद कौन आए, शिवाजी द्वितीय आए, शिवाजी द्वितीय के समय यह हुआ कि ताराबाई यहां शासन संभाल रही थी, और ताराबाई से आगे चलकर जब साहू जी कैसे रिहा होते हैं तो उनसे युद्ध लड़ते हैं जिसको बोलते हैं खेड़ा का युद्ध, और इस खेड़ा के युद्ध के पश्चात यहां पर राजगद्दी में कौन बैठेंगे, साहू जी बैठेंगे, और साहू जी के समय में बहुत लंबा शासन इनका हमको देखने मिलता है। क्लियर है क्या यहां तक चीजें, ठीक एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान समझते जाइए, हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं इसके बाद साहू जी के बारे में बताऊंगा, और साहू जी के बाद कैसे पेशवाओं का क्रम आता है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने भेजा था। ठीक है मुझे नहीं लगता कोई भी छात्र इसका जवाब ना दे पाए, है ना, इनायत खां, अफजल खां, साहिस्ता खां, सैयद बांदा, किसको भेजा गया था बताइए, अफजल खां को भेजा गया था, अफजल खां। ठीक है करेक्ट आंसर क्या है, अफजल खां। चलिए
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था, याद रखना, जन्म सिवनेर के किले में, बट इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का रायगढ़ नहीं है, यह महाराष्ट्र क्षेत्र का रायगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ नहीं है। अगला है, बहुत अच्छे से बताइएगा, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। जितने पॉइंट आप जानते हैं वहां से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। चारों घटनाक्रम को ध्यान से देखिए और बताइए कि पहले कौन सा हुआ घटना और बाद में कौन सा हुआ। ध्यान से देख के बताइए जवाब क्या होगा। सभी छात्र जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है और जवाब देना है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को आंसर देना है, बताएंगे। पहला चीज तो चाकन किले के बारे में नहीं बताया हूं, बट जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हुआ था उन्होंने किलों पर विजय करना चालू किया था, तो चाकन का किला भी उनमें से एक था, तो ये चाकन के किले को जीत गए थे। चाकन के किले को जीतने के कारण या बहुत सारे किले को जीतने के कारण मुगलों से मतभेद हुआ, तो अगला क्या होगा, मुगलों से मतभेद होगा। मुगलों से मतभेद के पश्चात अफजल खां को भेजा गया, तो यहां क्या होगा, अफजल खां जाएगा, और अफजल खां को जाने के बाद 1664 में सूरत को लूटा जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यहां समझने वाली बात यह है कि कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे, तो आप प्रश्नों को देखकर, प्रश्नों की लेंथ को देखकर डरना नहीं है। प्रश्नों को पहले आप ध्यान से पढ़िए और किन किन बिंदुओं के बारे में आप जानते हैं उसे जोड़िए। अगर मान लीजिए इसमें से दो ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप यहां से कूट को रिलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि आपको 100% चीजें पता हो, जरूरी यह है कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं। मैंने क्या बोला, आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं वो आपका प्रेजेंस ऑफ द माइंड उस दिन एग्जाम के दिन दिखेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीज समझ में आ रही कि नहीं? एक पॉइंट तो यहां पर जो बड़ा प्रश्न दिख रहा है कूट वाला, इसको देख के ऐसा घबराने की जरूरत नहीं थी। ठीक, अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान अधिकारी कौन थे? ठीक है, अभी कुछ समय पहले मैंने पूछा था, तो यहां बताइए शिवाजी के अष्टप्रधान कौन थे। ठीक है, जिनको नहीं पता वो यहां पर देख सकते हैं, चार के बारे में दिया हुआ है, बाकी चार को कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये बताएंगे कि इनमें से अष्टप्रधान अधिकारी कौन कौन थे। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे क्या सभी थे, क्या इनमें से कोई नहीं था, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जल्दी बताएंगे सभी शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन था। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर अगर मजूमदार, मजूमदार जो आप देख पा रहे हैं, मजूमदार, ठीक है, मजूमदार को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना, मजूमदार, ठीक है, यह अष्टप्रधान में से था, यह अमात्य भी कहलाता था, अमात्य। और अमात्य के अलावा इसका जो कार्य होता था लेखा जोखा, आय का, सरकारी आय का लेखा जोखा, अकाउंटेंट एज अ काम करता था, लेखा जोखा रखता था, लेखा जोखा रखने का कार्य करता था। ठीक है, इसके अलावा दबीर जो है इसे सुमंत कहा जाता था, सुमंत, सुमंत या दबीर इसे कहा जाता था। सुमंत या दबीर का मतलब यह है कि यह विदेशी मामलों को, फॉरेन मामलों को यह संभालता था, विदेशी मामलों को देखता था, विदेशी मामलों को। ठीक है, बाकी लोग बताएंगे वाक्यनवीस क्या करता था भाई, वाक्यनवीस क्या कार्य करता था। देखिए, आपको अष्टप्रधान याद होने चाहिए, बट अष्टप्रधान के कार्य भी आपको याद रखना है। वाक्यनवीस के बारे में बताएंगे, वाक्यनवीस क्या करता था, वाक्यनवीस के बारे में बताएंगे, वाक्यनवीस के बारे में। तो वाक्यनवीस क्या करता था, राजा के दैनिक कार्यों, डे टू डे जो वर्क होते थे, दैनिक कार्यों से संबंधित था वाक्यनवीस, दैनिक कार्यों से संबंधित कार्य करता था। इसके अलावा सूरनवीस, देखिए ये जो नाम है आपको ऐसा भी मिलेगा, सूरनवीस, सूरनवीस, और ये सूरनवीस जो कार्य करता था वह था पत्राचार, पत्राचार व्यवहार का,
पत्राचार व्यवहार का यह कार्य करता था। ठीक है, तो ये चारों के चारों अष्ट प्रधान में शामिल थे, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, गणेश जी की जय जयकार, क्लियर। ठीक, गणेश जी बैठ गए होंगे, ठीक है, गणेश जी हर कोई बैठा रहे होंगे। गणेश चतुर्थी जैसे हमारे हिंदुओं में सनातन धर्म में गणेश का पर्व यानी कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और ये आपके लिए एक समय है कि जब आप थोड़ा रिलैक्स अगर हो रहे हैं, अगर मान लीजिए एक दिन का छुट्टी ले रहे हैं गणेश चतुर्थी के लिए, अगर जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा रिलैक्स होने के साथ साथ आप अपनी एनर्जी को भी डबल कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना कीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर मैंने बताया कि सूर्यनवीस पत्राचार व्यवहार का कार्य करता था और ये चारों उस अष्ट प्रधान में आते हैं। इसके अलावा चार और कौन कौन से बच्चे हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अष्ट प्रधान के बारे में मैंने पहले भी पूछा है, तो अष्ट प्रधान का जब नाम लिख रहे होंगे तो उनके कार्यों को भी आप बताएंगे। ठीक है, तो ये चार लोग अष्ट प्रधान में शामिल थे। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, माधवराव। ठीक, अब ये क्या है, है ना, ये क्या है, जो छात्र पढ़ लिए हैं उनको तो पता होगा, और जो छात्र नहीं पढ़े हैं वो तो पढ़ने के लिए ही जुड़े हैं, है ना, जो छात्र नहीं पढ़े हैं वही तो पढ़ने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि हमारा टॉप एमसीक्यू सीरीज में मकसद ये है कि आपको सिलेबस पूरा करवाया जाए और आप जो भी प्रश्न देख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, तो चलो अब जो हमारा कहानी जहां पर रुका हुआ था वहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए, साहू जी के कालक्रम में हमको देखने मिलता है कि यहां से साहू जी के समय में पेशवाओं की शुरुआत होती है। पेशवाओं की, पेशवा, पेशवा की अगर बात करें तो ये अष्ट प्रधान का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, या इसे हम उस समय का प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और साहू जी के समय में ही, साहू जी के समय में ही पेशवाओं के शासन की शुरुआत होती है। और अब आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य में राजा तो शासन करेगा, परंतु राजा के पूरे शासन के प्रशासन के अधिकार धीरे 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 पेशवाओं के हाथ जाने लगे। ठीक, अगर मैं बात करूं शिवाजी के समय में, तो शिवाजी के समय में पेशवाओं की शुरुआत हो गई थी, शिवाजी के समय में पेशवाओं की शुरुआत हो गई थी। तो यहां पर याद रखिए कि शिवाजी के समय में प्रथम पेशवा जो थे उनका नाम था त्र्यंबक पिंगले, पिंगले, त्र्यंबक पिंगले, क्लियर है, ये हुए थे शिवाजी के समय के प्रथम पेशवा। परंतु आप बोलेंगे सर साहू जी के समय में तो हमने बालाजी विश्वनाथ पढ़ा था, बालाजी विश्वनाथ, तो याद रखिए दो टाइप के आपको पेशवा यहां पर मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं त्र्यंबक पिंगले की, ये प्रथम पेशवा है, प्रथम पेशवा, जब ये पेशवा बने थे त्र्यंबक पिंगले, उस समय पेशवाई जो है, पेशवा का पद जो है वंशानुगत नहीं था, हेरिडेटरी नहीं था, या जब पेशवा बने थे तो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था, समझ में आ रही क्या बातें, त्र्यंबक पिंगले के समय में यह वंशानुगत नहीं था। इस समय योग्यता के आधार पर इन्हें पेशवा बनाया गया था, योग्यता के आधार, क्लियर है, योग्यता के आधार पर क्या बनाया गया था इन्हें, यहां पर पेशवा बनाया गया। परंतु आगे चलकर, अब देखिए आगे चलकर साहू जी के समय में, साहू जी के समय में पेशवा जो है, पेशवा जो है साहू जी के समय में वंशानुगत हो जाएंगे, वंशानुगत, हेरिडेटरी, वंशानुगत हो जाएंगे, और प्रथम पेशवा बनाए जाएंगे, प्रथम पेशवा जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्लियर है क्या, मैंने क्या बताया, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनेंगे, पहले पेशवा, और पहले पेशवा के रूप में इनका जो शासन शुरू होगा वह शुरू होगा 1713 से लेकर 1720 तक,
1713 से लेकर 1720 तक पहले पेशवा वंशानुगत रूप में बालाजी विश्वनाथ कहलाएंगे, और त्र्यंबक पिंगले जो हैं पहले पेशवा वो भी कहलाएंगे, परंतु वह हेरिडेटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था, इसीलिए इन पेशवा को पहला पेशवा ज्यादा माना जाता। तो एग्जाम में आएगा तो आप इसे लगाएंगे, परंतु कभी अगर त्र्यंबक पिंगले का नाम आपको दिखे तो आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न में पूछा किस प्रकार से, ठीक है, ये प्रश्न में घुमा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान है। ठीक, बालाजी विश्वनाथ की अगर मैं बात करूं, यहां से चर्चा हम लोग बढ़ लेते हैं, थोड़े थोड़े बिंदु हैं उसे ध्यान देते हुए बढ़ते हैं हम लोग। तो बालाजी विश्वनाथ की बात करूं तो इनके काल में इन्होंने मुगलों पर, मुगल शासकों पर आक्रमण किया था, मुगलों पर आक्रमण किया था इन्होंने, और मुगलों पर आक्रमण करके इन्होंने दक्कन के क्षेत्रों में, दक्कन या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चौथ जो इनका टैक्स होता था, चौथ व सरदेशमुखी, चौथ व सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार ले लिए मुगलों से। मुगलों से इन्होंने चौथ व सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार ले लिए, जिस कारण से इस अधिकार को कहा गया मराठों का, मराठों का मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया, मराठों का मैग्ना कार्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठों का मैग्ना कार्टा इसे ही कहा गया जब दक्कन के क्षेत्रों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार इनको मिल गया। ठीक है, इतना यानी दबदबा है बालाजी विश्वनाथ का। ठीक, अब यहां पर जो संधि हुई उस संधि के अंतर्गत यह था कि बालाजी विश्वनाथ मुगलों की सहायता करेंगे और मुगल मराठों की सहायता करेंगे, ऐसी एक संधि भी इनके बीच हो गई। चलिए, बालाजी विश्वनाथ के पश्चात अगले जो हमको पेशवा दिखने मिलेंगे उनका नाम था बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, 1720 to 40, 1720 से 40। ठीक है, एक एक पॉइंट आप ध्यान समझते जाइए, है ना, मैं बता दूं आपको ये मराठा आप खुद से पढ़ने जाइए, एक बार खुद से पढ़ने का प्रयास किए, आपको कंफ्यूजन होगा, गारंटी है कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना बिल्कुल मराठों को एकदम आप मान के चलिए, आज की क्लास आपने अटेंड कर ली तो आपको मराठा अलग से नहीं देखना पड़ेगा, इतना भी कर लेते हैं बहुत हो जाता है, बाकी कुछ कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूं उसे बुक से देखिए, थोड़ा सर्च कीजिए, है ना, मैं चाहता हूं कि आप बुक भी पढ़िए और यहां से भी देखिए ताकि आपका नोट्स कंप्लीट रहे, यहां जो चीजें बता रहा हूं एग्जाम में पूरे आए हुए हैं, एक भी लाइन आपका छूटेगा नहीं, उस चीज की गारंटी है, परंतु यहां पर आपको पढ़ना होगा ध्यान से, ऐसा नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो बीच में 2 मिनट उठ के चले गए, फिर देखे रिवीजन कर लिए, बाद में देख लेंगे वाला आपका टाइम कभी नहीं आएगा, समय वैसा कभी नहीं आएगा। आपने जो 8 से 10 या 8 से 9 के बीच जो क्लास चल रही है, मॉर्निंग की क्लास है हिस्ट्री की, उसको प्रॉपर वैसे ही अटेंड कर लीजिए ना भाई, एक बार समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, सभी छात्रों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस हमें कराना है और सिलेबस हम करवा के रहेंगे, और सिलेबस के साथ साथ जो प्रश्नों का क्रम है उस पर भी ध्यान देते हुए प्रश्न भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए। अच्छा, ये बाजीराव फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वही बाजीराव है जो बाजीराव मस्तानी में हमको देखने मिला था। ठीक है, बाजीराव मस्तानी में आपने इसी बाजीराव को देखा है, इसी बाजीराव को जिसे हम बाजीराव फर्स्ट कह रहे हैं, प्रथम कह रहे हैं, यही बाजीराव है जो कहता है कि अगर हम ये मुगलों की अगर बात करें तो मुगल उस पेड़, उस जर्जर वृक्ष की तरह हो गए हैं, मुगल उस जर्जर वृक्ष की तरह हो गए हैं कि अगर हम इस पर सही समय पर, अगर इस समय पर अगर वार करते हैं तो इसे हम, इस जर्जर वृक्ष को गिरा सकते हैं और अपने साम्राज्य को हम अटक से लेकर कटक तक इसका विस्तार कर सकते हैं। यह बात कहते हुए यह पूरा अपना क्षेत्र जो है, साम्राज्य जो मराठा साम्राज्य है, इसे अफगानिस्तान से लेकर, जिसे अटक कहा जा रहा है, अफगानिस्तान से लेकर कटक यानी भुवनेश्वर कटक तक इन्होंने पूरा अपना साम्राज्य का विस्तार किया।
इसने ही दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली में उस समय जो शासक थे, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, उसे उन्होंने मजा चखाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1737 में अटैक किया था, आक्रमण किया था, और 1739 में उसी के बाद नादिर शाह ने भी अटैक कर दिया। यानी मुगलों की बिल्कुल हालत खराब हो रही है, ठीक है, मुगल संभल ही नहीं पा रहे, और एक तरफ मराठा साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में होते जा रहा है, ठीक है, यानी कि एकदम अपने पीक टाइम पर चल रहे हैं। ठीक, और ये पीक टाइम किसके समय में आया है? बाजीराव फर्स्ट के टाइम में, बाजीराव। तो बाजीराव इसीलिए महान शासकों के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, ये एक पेशवा है, एक मराठा राजा साहू जी बैठे हैं और एक ये पेशवा है उनके अधीन अभी, परंतु धीरे 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 मराठा शक्ति जो है धीरे धीरे किधर जा रही, पेशवाओं की तरफ जाती जा रही, और एक समय बाद मराठा राजा आपको नहीं दिखेंगे, केवल केवल कौन दिखेंगे, पेशवा ही दिखेंगे। समझ में आई बात? ठीक, तो ये कौन है? बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इतनी चीजों को ध्यान रखना। इसके अलावा बाजीराव प्रथम के समय में मराठा परिसंघ का निर्माण हुआ था। मराठा परिसंघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठा परिसंघ का निर्माण हुआ, मराठा परिसंघ, कॉन्फिडेंस, ठीक है, परिसंघ। ठीक, परिसंघ की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो था वह था पुणे में, पुणे में, और पुणे के क्षेत्र वाले कहलाते थे पेशवा। पुणे में जो बैठता था उसे हम कहते थे पेशवा। दूसरे अगर संघ की अगर हम बात करें तो वह था नागपुर का, नागपुर का क्षेत्र, और नागपुर में जो बैठा करते थे उन्हें हम कहते थे भोसले, नागपुर के भोसले। क्लियर है? ठीक, नागपुर के बाद अगले जो हमें मिलेंगे वह मिलेंगे इंदौर में, इंदौर में, और इंदौर के जो हुआ करते थे वह होते थे होलकर, होलकर। क्लियर है? होलकर। इसके बाद हमें जो परिसंघ में मिलेंगे वो मिलेंगे हमें ग्वालियर में, ग्वालियर, ग्वालियर, और ग्वालियर में कौन मिलेंगे हमें? सिंधिया। ग्वालियर में कौन मिलेंगे? सिंधिया मिलेंगे, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। और लास्ट याद रखेंगे आप बड़ौदा, गुजरात, बड़ौदा गुजरात, और यहां पर मिलेंगे गायकवाड़, गायकवाड़। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का निर्माण जो हुआ था संघ से हुआ था, कन्फेडरेसी से हुआ था, कन्फेडरेशन कहेंगे, मराठा परिसंघ कहेंगे, जिसमें पुणे के पेशवा कहलाते थे, नागपुर के भोसले कहलाते थे, इंदौर के होलकर, और ग्वालियर के सिंधिया, और बड़ौदा के गायकवाड़ कहलाते थे। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये मराठा परिसंघ का निर्माण भी बाजीराव फर्स्ट के टाइम में हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम देखें तो बाजीराव फर्स्ट के पश्चात अगले जो राजा, अगले जो पेशवा हमको देखने मिलेंगे तीसरे क्रम के, उनका नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक, बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव का टाइम चलेगा 1740 से लेकर 1741 तक। ठीक, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें, तो आपको एक बात नजर आएगी। क्या बात नजर आएगी? कि ये जो है 61, इसे देखिए, 1761 को देखिए, 1761 को देख के याद आ रहा है कुछ? कुछ बातें याद आ रही है? तो 1761 के देख के आपको सबसे पहले याद आना चाहिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसी के समय में, इन्हीं के समय में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा मराठों, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, मराठों और
अहमद शाह अब्दाली के बीच। देखिए अब होता क्या है उसको समझिए। उस समय बात करें अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के क्षेत्र को जीत लिया था, और पंजाब के क्षेत्र को जीतने के पश्चात उसने अपने बेटे तैमूर शाह को वहां पर पंजाब के गवर्नर के रूप में बैठा के रखा और पंजाब से राजस्व वसूलने का कार्य दिया। किसको? तैमूर शाह को, तैमूर लंगनी, तैमूर शाह अहमद शाह अब्दाली का बेटा। यही वो समय था जब मराठा साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा था, और मराठों ने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण करके उस तैमूर शाह को भगा दिया, ठीक। और तैमूर शाह चला गया अपने पिता के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास, कि पापा पापा ये जो मराठे हैं ना, उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया और मुझे वहां से भगा दिया। अब तैमूर शाह ने जैसी शिकायत की मराठों की, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली तमतम आ गया, और अपने गुस्से में उसने पूरे अपनी सेना इकट्ठा की, लाख भर की उसकी पूरी सेना, और बोला कि चलिए अब निपटते हैं मराठों से, और मराठों से एक लड़ाई लड़ते हैं। और मराठों से जो लड़ाई होने का निर्णय लिया गया वह होना था लड़ाई कहां, पानीपत में। तो ये जो लड़ाई होनी वो कहां होनी है, पानीपत में होनी है। क्लियर है? युद्ध कहां होना है? पानीपत। तो पानीपत का जो युद्ध है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वह होगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली में के बीच। और मराठों की तरफ से ये तो अहमद शाह अब्दाली आया, ठीक है, अफगान शासकों की तरफ से। मराठों की तरफ से यहां पर सदाशिव भाऊ और विश्वास राव गए। सदाशिव भाऊ और विश्वास राव यहां पर युद्ध भूमि पर आए हैं, ठीक। इस 1761 में होने वाले भयंकर युद्ध में मराठों को ऐसी पराजय झेलनी पड़ी जो कभी उन्होंने देखी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मराठों को यकीन था और ये बालाजी बाजीराव को भी यकीन था कि ये अहमद शाह अब्दाली से लड़ने मुझे एक पेशवा के रूप में जाना नहीं पड़ेगा, इसे तो मेरे बेटे और जो उनके फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वही निपटा देंगे, मेरे तो जाने की जरूरत नहीं है। इस घमंड में बैठा था बालाजी बाजीराव, है ना, बालाजी बाजीराव बिल्कुल घमंड में था, उसको लगा ही नहीं कि हमें कोई हरा सकता है, क्योंकि उस समय था भी मराठाओं की शक्ति ऐसी थी भी कि वो कोई हार देख ही नहीं रहे थे, तो पराजय जैसा वर्ड या शब्द वो कभी सुन ही नहीं रहे थे। क्लियर है? ये चीजें थी। अब इस युद्ध में होता यह है कि अहमद शाह अब्दाली अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी शक्ति के साथ यह युद्ध लड़ता है और मराठों को हरा देता है, जिसमें सदाशिव राव की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ यहां विश्वास राव की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक। क्लियर है? सदाशिव और विश्वास राव दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों मारे जाते हैं, ठीक। कहा यह जाता है कि इस युद्ध के पश्चात मराठे जो 60-70 हजार सैनिक लेकर गए थे उनमें केवल एक व्यक्ति आकर बचा, और एक व्यक्ति भी इसीलिए ताकि आकर राजा को, पेशवा को आकर संदेश दे कि क्या हुआ। तो यहां पर जब आकर इनके युद्ध के पश्चात एक व्यक्ति जो बचा हुआ व्यक्ति था वापस आकर जब बताता है बालाजी बाजीराव कि महाराज पेशवा जी, यहां पर जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है उसमें आपका बेटा विश्वास राव, याद रखिए उनके बेटे का नाम क्या था, विश्वास राव, उस विश्वास राव की डेथ हो गई, विश्वास राव की डेथ हो गई है। साथ ही साथ सदाशिव जो उनके भतीजा के रूप में जाना जाता था, सदाशिव ये भी मारा गया। ये बात जैसी बालाजी बाजीराव ने सुनी, उन्होंने यह बात सुनते ही उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु की बात सुनकर बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो गई, ये उनका बेटा था विश्वास राव। इस प्रकार पानीपत के बारे में कहा जाता है कि यह जो विध्वंसक युद्ध था इसने पूरी मराठा शक्ति को तो हिलाकर रख दिया, यानी मराठा शक्ति क्या हो गई, चरमरा गई। और यह भी कहा इतिहासकारों ने कि इस युद्ध में मराठा परिवार से कोई भी ऐसा नहीं था
जो मारा ना गया हो, मराठा परिवार से मारा ना गया हो, ऐसा कोई था ही नहीं। मैक्सिमम लोग जो युद्ध में शामिल हुए थे सभी के सभी मारे गए, कोई नहीं बचा। ठीक, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बैटल था पानीपत का तृतीय युद्ध। अब जो घटनाक्रम आगे बढ़ेगा उसको हम देखते हैं, अब ज्यादा नहीं बचा है, उसके बाद मराठा हमारा खत्म होगा, फिर हम लोग आगे कहानी बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार हो गई और यहां पर अहमद शाह अब्दाली जीत गए। ठीक, चलिए, अब बालाजी की मृत्यु के पश्चात, बालाजी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ उसे ध्यान से समझो। ठीक, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक, बालाजी बाजीराव का एक भाई था, भाई जिसका नाम था रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। ये ना मराठों में, मराठा साम्राज्य जब पढ़ेंगे ना तो इसमें फैमिली फैमिली वाला जो स्ट्रक्चर है ना, फैमिली ट्री जो बनती है वही कंफ्यूज करती है, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है वो समझ में आने में दिक्कत जाता है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं उसको ध्यान समझते जाइए। ठीक, तो यहां बालाजी बाजीराव का भाई कौन, रघुनाथ राव। ठीक, बालाजी बाजीराव के तीन बेटे कहे जाते हैं। ठीक है, एक बेटा था विश्वास राव, विश्वास राव, एक बेटा था रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव के बाद, अच्छा सॉरी, रघुनाथ उसका भाई का नाम है, यहां पर उनका बेटे का नाम था माधव राव, माधव राव, फिर था नारायण राव, नारायण राव। अब ध्यान समझिए, है ना, यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूं मैं, अगला पेशवा कौन बनने वाला है उसके बारे में। ठीक, देखिए, बालाजी बाजीराव की डेथ के पश्चात 1761 में जब इसकी डेथ हुई, ठीक, इसके समय काल को लिख लेते हैं, इसके समय काल कब से कब तक, 1740 से 61 तक। बालाजी बाजीराव की डेथ के पश्चात रघुनाथ राव को बिल्कुल उम्मीद थी कि अब जो सत्ता है उसे मिलेगी, और रघुनाथ राव बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि एक जो बेटा था, जो योग्य बेटा था, वह तो युद्ध में मारा गया, तो इसे तो सत्ता नहीं मिलती। ठीक, और जो बाकी माधव और नारायण राव जो है ये अभी उस प्रकार से उपयुक्त नहीं है कि शासन संभाल पाए। तो यहां पर रघुनाथ राव बिल्कुल एकदम सोच के बैठा है कि मेरेज को मिलेगा भाई, है ना, कोई तो और अगला दावेदार तो है नहीं, ये लोग सब तो लईका बुद्धि, इन लोग क्या है, इन लोग तो मैं ऐसी हटा दूंगा कभी अगर बैठ भी गए तो, ऐसा था इसके मन में। परंतु हुआ वही कि रघुनाथ राव को सत्ता नहीं मिली और माधव राव को अगला शासक बनाया गया, अगला पेशवा बनाया गया। और माधव राव जो है 1761 से लेकर 1761 से लेकर 72 तक शासन की, माधव राव जो है 1761 से लेकर 72 तक शासन की। ठीक, 72 में आते ही ये जो माधव राव है जिनको अच्छा खासा शासन देखना था, इनकी भी डेथ हो जाती है। और कहा जाता है मराठों में, चलो पानीपत का युद्ध हुआ तो हुआ, मराठे खत्म हो गए तो हो गए, परंतु इनकी क्षति और ज्यादा भारी पड़ी मराठों को, क्योंकि अगला जो आ रहा है नारायण राव, ये भी अल्पवयस्क है, वयस्क नहीं हुआ है, बिल्कुल बालक है ये भी। ठीक है, इसे बैठा दिया गया 1773 से 74 तक। ठीक, यहां पर शासन में बैठ गया कौन, नारायण राव, नारायण राव। ध्यान से देखते जाएंगे भाई, ध्यान से देखते जाएंगे यहां पर चीजों को, जो भी चीज बताई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, 72 से 73। ठीक है, नारायण राव, माधव राव की मृत्यु के पश्चात जब नारायण राव को यहां पर सत्ता में बैठाया गया, तो एक बालक होने के कारण यहां पर रघुनाथ ने एक चाल चली, रघुनाथ ने एक चाल चली, और रघुनाथ ने नारायण राव को पुणे स्थित शनिवारवाड़ा, नाम सुने शनिवारवाड़ा, ठीक है, शनिवारवाड़ा में इस बालक नारायण राव की
मौत के घाट उतार दी। नारायण राव को मौत के घाट उतार दी। नारायण राव कहा जाता है शनिवारवाड़ा में जब इसे मारा जा रहा था यह चिल्लाता रहा अपने चाचा को, ये इसके चाचा नारायण राव के चाचा कौन है, रघुनाथ राव, इन्हें चिल्लाता रहा अपनी जान की भीख मांगता रहा, परंतु रघुनाथ राव ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी और इन्हें जो बस 72 से 73 एक ही साल के लिए शासन कर पाए इसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि सत्ता का लालच था रघुनाथ राव को। और शनिवारवाड़ा में आज भी कहा जाता है रात्रि में कोई अगर व्यक्ति गुजरता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती, ऐसी भी जानकारी मिलती, आवाजें सुनाई मिलती है, और आवाज किसकी मिलती है, नारायण राव की, जिसमें वह कह रहा है चाचा मुझे बासला, मुझे बासला, ठीक है, मराठी में कुछ बातें उसकी सुनाई देती हैं आज भी, ऐसी भी जानकारी है। ठीक, तो शनिवारवाड़ा में इसे मार दिया गया नारायण राव। अब यहां पर रघुनाथ राव फिर से सोच रहा है कि सत्ता मुझे मिलेगी, अब वो खुश है, खत्म माधव राव नारायण राव ये खत्म। रघुनाथ राव को लगा कि सत्ता उसे मिलेगी, बट सत्ता इस बार नहीं मिलने वाली, सत्ता इसे नहीं मिलने वाली है। नारायण राव के पश्चात 12 भाई परिषद, एक परिषद थी, एक काउंसिल थी, उन्होंने राज्य के प्रशासन को संभाला और अगला उत्तराधिकारी नारायण राव के बेटे को जो बहुत ही छोटा था, जो जन्म ही लिया था, उसे उन्होंने बोला कि ये अगला उत्तराधिकारी बनेगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर अगर नारायण राव का अगर कोई बेटा नहीं होता या कोई वंशज नहीं होता तो कौन बनता, तो यहां पर यह बात थी कि नाना फडणवीस 12 भाई परिषद के लीडर थे उस समय, तो उन्होंने बोल दिया था कोई भी राजा बने, कोई भी पेशवा बने, परंतु यह रघुनाथ राव को कभी नहीं बनाया जाए, यह बात क्लियर कर दी। इसी कारण से अगला जो पेशवा बना वह बना माधव राव नारायण राव, माधव नारायण राव, माधव माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया। ठीक, और माधव नारायण राव का टाइम चला 1774 से लेकर 95 तक। ठीक, क्लियर है यहां तक चीजें। चल, अब माधव नारायण राव जब 1774 में पेशवा बना तो यहां पर यह हुआ कि जो रघुनाथ है उसको सत्ता नहीं मिली। अब उसके मन में जो था, जो भड़ास थी कि सत्ता नहीं मिल रही है, इवन अपने भतीजे को भी मार दिया, ठीक है, हर साम नाम दंड भेद सब लगा लिया, तो कहा जाता है अंतिम जो रास्ता था वह रास्ता उसने निकाला अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, और अंग्रेजों के पास यह सहायता मांगने चला गया और एक संधि उसने कर दी। सबसे बड़ी गलती किया, ठीक है, कहां चला गया रघुनाथ राव, अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों के साथ मिलकर उसने मराठों पर आक्रमण किया और यही आक्रमण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो रघुनाथ के कारण यहां पर हमें देखने मिलेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कारण मैंने आपको बताया क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ध्यान समझिए। ठीक है, युद्ध शुरू होगा 1775 में और 1775 से लेकर 1782 तक यह युद्ध चलेगा 1782। ध्यान से देखिए, जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं आप नोट करते जाइए, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, सभी पॉइंट जरूरी हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा कारण के रूप में जो निकल कर आएगा युद्ध क्यों शुरू हुआ, तो आप बताएंगे सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत जो 1775 में हुई उसके कारण यह युद्ध शुरू हुआ,
ठीक। और ये संधि करने वाला कौन था? रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ। और लड़ाई जो हो रही थी, युद्ध हुआ, वह हुआ अंग्रेजों और मराठों के मध्य, अंग्रेजों और मराठों के मध्य, जिसमें अंतिम रूप से जब 1782 को 1782 में सालबाई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, तो इस सालबाई की संधि के साथ, सालबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि के साथ युद्ध जो है समाप्त हुआ। इस सालबाई की संधि में अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि माधव नारायण राव ही पेशवा बनेंगे और रघुनाथ राव को किसी प्रकार की सत्ता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कारण और उसकी समाप्ति जिसके साथ होगी वो होगी सालबाई की संधि के साथ। ठीक, अब देखिए माधव नारायण राव के बाद अगला जो यहां पेशवा बनेगा उसका नाम होगा बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड जो है 1795 से लेकर 1818 तक शासन में रहे, पेशवा के रूप में रहे। ठीक, बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड अगर बात करें, बाजीराव सेकंड कौन है? तो बाजीराव सेकंड है रघुनाथ राव का पुत्र, रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र, रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र कौन था? बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड। अब बाजीराव सेकंड जो है जब ये शासन में आता है तो इसकी भी एक गलती अपने पिता की तरह मराठों को भारी पड़ती। ठीक, अपने पिता की तरह मराठों को भी भारी पड़ती। अब ये क्या करता है? इसके द्वारा सिंधिया, जो मराठा परिसंघ मैंने बताया था, सिंधिया, ठीक, तो मराठा परिसंघ जो मैंने बताया था उसमें सिंधिया है, होलकर है, भोसले हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया। उसमें उन्होंने क्या किया, यशवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी, मरवा दिया। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने यशवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी, जिसके पश्चात होलकर ने, यशवंतराव होलकर ने भोसले और सिंधिया की मदद ली और मदद लेकर उसने बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण करना चाहा। और जब बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण करने की बात आई तो उस समय यह देखने को मिला कि यह बाजीराव द्वितीय भी जैसे इनके पिता रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गए थे वैसे ये भी अंग्रेजों के पास चला गया सहायता मांगने। और इसने गलती कर दी, वह थी बसीन की संधि। इसने एक संधि की जिसको बोलते हैं बसीन की संधि, बसीन की संधि की अंग्रेजों के साथ। और यह संधि हुई 1802 में, 1802 में। इसी संधि में इसने मराठों की पूरी सत्ता अंग्रेजों के पास सौंप दी और वो संधि थी सहायक संधि। आगे मैं बताऊंगा सब्सिडी अलायंस के बारे में। तो उस सहायक संधि को इस बसीन की संधि के साथ उसने कर दिया और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन सौंप दिया। अब इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे, इसकी सहायता करेंगे और अंग्रेजों की लड़ाई मराठा परिसंघ से होगी, जैसे होलकर हैं, भोसले हैं और सिंधिया हैं इनके साथ। तो यहां पर हमको देखने मिलेगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध होगा उसका कारण है बसीन की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो यह होगा वर्ष 1803 से लेकर 1805 तक। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जो लड़ाई है, अंग्रेजों व होलकर, सिंधिया,
भोसले संयुक्त रूप से लड़ेंगे। संयुक्त रूप से यहां पर लड़ेंगे, ठीक है। तो एक तरफ अंग्रेज रहेंगे और एक तरफ होलकर सिंधिया भोसले। अंग्रेजों की सहायता किसने ली थी? बाजीराव ने ली थी, बाजीराव ने। अब इनके बीच में लड़ाई होने वाली। इस लड़ाई में होगा क्या? निष्कर्ष प्रॉपर कोई नहीं निकलेगा, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। यह होगा कि धीरे धीरे होलकर सिंधिया और भोसले जो हैं मराठाओं से हारेंगे, अंग्रेजों से हारेंगे, और अंग्रेजों से हारने के पश्चात इनको संधिया करवाई जाएगी, ट्रीटीज हो जाएंगी, और संधि होने के पश्चात यह युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। यह जो लड़ाई हुई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा आंग्ल मराठा जो है, तीसरा आंग्ल मराठा की अगर बात करें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा की अगर बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा शुरू होगा वर्ष 1816 से लेकर 1818, ठीक। इसका शुरू होने का कारण था पिंडारियों का आक्रमण, पिंडारियों के आक्रमण से उस समय अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। पिंडारी उस समय अंग्रेजों के जो क्षेत्र हैं वहां पर लूटपाट करने का, धन दौलत लूटने का, गाड़ियों को लूटने का, ये सब कार्य किया करते थे, ठीक। तो पिंडारियों से परेशान जो अंग्रेज हैं, ठीक है, उन्होंने उस समय, अंग्रेज अधिकारियों ने इनका दमन करने का, खत्म करने का प्रयास किया। और जब पिंडारियों को दमन करने का जब प्रयास किया तो इनके साथ, पिंडारियों के साथ जो मराठा परिसंघ के जो मराठे थे, ठीक है, उन्होंने पिंडारियों का साथ दिया, मराठों ने पिंडारियों का साथ दिया, और यही वजह बनी कि मराठों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसे हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कह रहे हैं। अब जब यह लड़ाई हो रही है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, इस समय मराठा शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई, और मराठा शक्ति कमजोर होने के पश्चात सभी के सभी मराठा परिसंघ के जितने भी होलकर, सिंधिया, भोसले, पेशवा, सभी के सभी इनके अधीन आ गए, और लास्ट एंड लास्ट सभी को सहायक संधि के अंतर्गत ला लिया गया, क्लियर है। बाकी चीजें, कुछ चीजें आप नागपुर के भोसले में देखेंगे कि भाई वहां पर आगे चलकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आएगा, है ना। वहां पर जाकर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी कैसे मराठों का प्रभाव था, और कैसे छत्तीसगढ़ भी मराठों के अधीन होने के पश्चात वहां पर मराठा शक्ति समाप्त हो जाती। वैसे यहां पर भी वर्ष 1818 के आते तक मराठा शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और जो अंतिम पुणे के पेशवा थे उन्हें बिठूर भेज दिया गया, कानपुर के बिठूर भेज दिया गया, पेंशन में भेज दिया गया, और इस प्रकार मराठा पूरे के पूरे समाप्त हो गए, क्लियर है। तो यह था आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इस प्रकार पूरी मराठा शक्ति अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1818 के आते तक समाप्ति इसकी हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर एक प्रश्न था हमारा, प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये वाले प्रश्न का जवाब देंगे, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। अब पहले कौन आए? बालाजी विश्वनाथ पहले, ठीक। दूसरे कौन है बताइए? दूसरे होंगे बाजीराव, तीसरे हैं बालाजी बाजीराव, और चौथे हैं माधवराव। यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, इस प्रकार का हमारा क्रम होगा, और ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक। तो ध्यान से देखते जाइए, हमारा जो क्वेश्चन और टॉपिक को पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि हम पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस और साथ ही साथ प्रश्नों को सॉल्व भी कर रहे हैं। टॉप एमसीक्यू सीरीज में यही हमारा मकसद है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को बताइए क्या होगा यहां पर, ध्यान से पढ़िए अगला क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से पढ़िए क्या होगा इसका आंसर बताइए, इसका जवाब बताएंगे सभी छात्र, इसका आंसर क्या होगा।
सभी छात्र बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें 1750 तक मराठा साम्राज्य परिचित पेशवा की अध्यक्षता में परिसंघ बन गया, करेक्ट है। इसके अलावा साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे, ठीक है। मैंने बताया था साहू के उत्तराधिकारी जो होंगे पेशवा की इच्छा पर निर्भर इसलिए करेंगे क्योंकि पेशवा के पास पूरी शक्ति चली गई थी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो इसमें बताया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों चीजें करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं वह है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिनमें से एक ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, और यहां पर आपको दिख रहा है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की युद्ध, मैसूर का युद्ध और 1857 का स्वतंत्र संग्राम। यहां से अब आप कहानी चालू होगी, मराठा के पश्चात मराठा शक्ति तो खत्म हो गई, मराठा के पश्चात हम लोग देखने वाले बंगाल कि बंगाल के क्षेत्र में कैसे कैसे इनके शासन की शुरुआत होगी, कैसे बंगाल को ये अपने अधीन लाएंगे, इन चीजों को देखेंगे, ठीक। इस प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करेंगे अब बंगाल, और जानते हैं बंगाल में स्थिति क्या थी, बंगाल की स्थिति को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए बंगाल, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में मैंने बताया था कि बंगाल में उस समय सूबेदारी मिली हुई थी मुर्शिद कुली खां को, और मुर्शिद कुली खां ने उस समय बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र सूबेदार और शासक के रूप में, नवाब के रूप में बैठाया, ठीक। यह हम जान चुके थे मुगलों के काल में, मुगलों के काल में मैंने बताया था तीन क्षेत्र स्वतंत्र हुए थे, एक अवध था, एक बंगाल था और एक था हैदराबाद, ठीक। अब बंगाल में स्थिति यह थी कि बंगाल में 1756 के आसपास एक नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे, ठीक है। ये थे बंगाल के नवाब, ठीक। सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा अपनी मनमानी शुरू कर दी जाती, और अंग्रेज कुछ मनमानी इस प्रकार से करते हैं कि अंग्रेजों को मुगलों के द्वारा एक दस्तक प्रदान किया गया था, दस्तक, ठीक। उस दस्तक का अंग्रेजों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। दस्तक का अर्थ होता है कि व्यापार के लिए व्यापारिक जो छूट प्रदान की गई थी, उनकी गाड़ियां जो है व्यापार के लिए यहां वहां जा सकती हैं, वैसी जो छूट प्रदान की गई थी उसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे। तो यहां पर एक जो व्यापारिक छूट अंग्रेजों को मिली हुई थी उसका अंग्रेजों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था, दस्तक का दुरुपयोग, ठीक। इसके अलावा सिराजुद्दौला के काल में अंग्रेजों ने एक किले का भी निर्माण किया, एक किले का, जिसे हम कहते हैं फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम, ठीक, फोर्ट विलियम का निर्माण अंग्रेजों ने किया। अब यहां पर सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना है उसने शुरुआती दौर में देखा कि अंग्रेज जो है अपने ही हिसाब से चीजें कर रहे, ये किलेबंदी भी उस समय उन्होंने किले के लिए नहीं अनुमति मांगी थी, उन्होंने बोला था कि हमको सामान रखना है और सामान रखने के लिए हमको गोडाउन बनाना है और गोडाउन के लिए थोड़ा सा घेरा बनाएंगे। परंतु जब यहां पर सिराजुद्दौला जाकर देखता है इस फोर्ट विलियम किले को तो एक भारी एक महल की तरह नजर आता है जहां पर असला गोला बारूद रखे गए थे। तो यहां पर सिराजुद्दौला के मन में आया कि यहां पर शासन प्रशासन संभालने वाला मैं हूं और मेरे बिना अनुमति के ये सब कार्य हो रहा है। तब यहां पर सिराजुद्दौला ने उस समय अंग्रेजों पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, और अंग्रेजों में कुछ अंग्रेज सिराजुद्दौला के पकड़ में आ गए, कैद में आ गए। जो अंग्रेज कैद में आए उन्हें सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को एक काल कोठरी में, एक छोटी सी काल कोठरी में ले आकर बंद कर दिया, और कहा जाता है कि लगभग 146 अंग्रेज थे उसको उन्होंने कैद करके काल कोठरी में बंद रखा
और दूसरे दिन जब दरवाजा खोला गया तो उसमें केवल केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी की मौत हो चुकी थी। तो यहां पर क्या हुआ, एक घटना हुई इसके समय काल में जिसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ठीक। यह काल कोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी में होता यह है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें दूसरे दिन केवल और केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे और बाकी की मृत्यु हो गई। 23 अंग्रेज जीवित बचे, जिंदा बचे, बाकी की सबकी डेथ हो गई 146 में, ठीक। जिसे जेड हॉलवेल नाम के व्यक्ति ने बताया था, याद रखिएगा, ये ब्लैक होल की घटना को जेड हॉलवेल नाम के व्यक्ति ने बताया, जो कहीं ना कहीं इसी में जीवित बचा रहा होगा, इसी में जीवित बचा था, ठीक। चलिए, अब यहां पर ब्लैक होल की घटना होने के पश्चात अंग्रेजों ने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी कि इस प्रकार से सिराजुद्दौला अपनी मनमानी कर रहा है और यहां पर हमारे जो किले थे उसे ध्वस्त कर दिए गए हैं और हमारे बहुत सारे लोगों को इसने एक काल कोठरी में बंद करके भी मार दिया। अब इसी कारण से अंग्रेजों का पहला वायसराय, पहला गवर्नर बनकर आएगा बंगाल में, जिसका नाम होगा रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही एक ही लड़ाई होगी जिसे हम इतिहास में याद रखते हैं, और वह लड़ाई होगी प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। एक भयंकर लड़ाई होगी जिसे हम कहेंगे प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। और यह बैटल ऑफ प्लासी होगा 23 जून 1757 को। इस युद्ध में एक तरफ होगा सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ बंगाल का पहला गवर्नर जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जो इस युद्ध में लड़ा और जिसने अपने धोखेबाजी से सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात यहां पर इस क्षेत्र पर कब्जा इसने करने का प्रयास किया। अब देखिए होता क्या है, प्लासी का युद्ध जो है एक घटना मात्र है, क्योंकि सिराजुद्दौला के जितने भी वफादार थे उनको यहां पर लालच दिया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ कर लिया था, ठीक। तो यहां पर देखेंगे कि इस युद्ध में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के जो सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, उस मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अगला नवाब बनाने का लालच दिया था, मीर जाफर को यहां पर अगला नवाब बनाने का लालच दिया। इसके अलावा यहां पे कुछ और लोगों के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को सहयोग किया गया, जैसे मीर जाफर के अलावा घसीटी बेगम, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, इसने साथ दिया। घसीटी बेगम के अलावा
एक और व्यक्ति ने साथ दिया जिसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग, इसने भी इसका साथ दिया। क्लियर है? ठीक। तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ लोगों की मदद ली और उस मदद करने वालों में मीर जाफर सबसे इंपॉर्टेंट था। मीर जाफर और इस तरफ मीर जाफर की तरफ से एक इसका वफादार जिसका नाम था मीर मदान जो इसे युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया था। ठीक। तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दिया था किसको? मीर जाफर को लालच दिया अगला नवाब बनने का, और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को सहयोग दे दिया। और जब युद्ध होना था तब नाम मात्र की लड़ाई हुई और मीर जाफर ने उधर अपने बेटे को भिजवाकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई, जो एक धोखे से जीता हुआ युद्ध था। और भारतीय इतिहास में गुलामी का एक पहला कदम भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने रख दिया। यानी अब क्या है, अंग्रेज जो हैं इस प्लासी के युद्ध के पश्चात उनको इतने अकूट संपदा, पैसे, धन दौलत, सब चीजें मिलती है जिसका वो क्या करेंगे, अब मिसयूज या दुरुपयोग करेंगे, और वहीं से वो हथियार खरीदेंगे, अपनी सेना बनाएंगे, सब चीज करेंगे। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी है पिछले क्लास में, कि इसके बाद अंग्रेज नहीं रुके। 1759 में बेदरा में डच बाहर हुए, 1760 में वॉन्डिवॉस फ्रांसीसी बाहर हो गए। ये दोनों बाहर कैसे हुए? पैसा आया ना बंगाल से अंग्रेजों के पास, बंगाल से पैसा आया, ये प्लासी के युद्ध के पास बंगाल से इन्हें पैसा मिल रहा है। और पैसा कौन देगा? मीर जाफर जो बंगाल का अगला नवाब बनता हुआ हमें दिखेगा। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर क्या बना भाई? बंगाल का अगला नवाब बना। अगला नवाब यह बनता है 1757 से लेकर 60 तक, 1757 से लेकर 60 तक अगला नवाब बना। इसे हम कहेंगे अंग्रेजों की कठपुतली, अंग्रेजों की कठपुतली की तरह ये कार्य करेगा। कठपुतली, पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेज बोले उठ तो उठेगा, बैठ बोले तो बैठेगा। जितना पैसा चाहे मीर जाफर से अंग्रेज ले लिया करते थे, क्योंकि ये मीर जाफर क्या है, चमचा था अंग्रेजों का। मीर जाफर चमचा था। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले करोड़पति केबीसी में भी, कौन माने करोड़पति में भी, इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। क्लियर है? देखिएगा एक बार क्वेश्चन। ठीक, जितने भी एमसीक्यू होते हैं आप सॉल्व कीजिए, आपको सभी के जवाब मिलेंगे। ठीक, चलिए। तो मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली, जितना चाहे पैसा मांग रहे थे। एक समय ऐसा आया मीर जाफर ने पैसा देने से मना कर दिया, और मीर जाफर के पैसा देने से मना करने के कारण यहां पर अगला जो बंगाल का नवाब बनाया गया वह बना दिया गया मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया, और यह 60 से लेकर 63 तक नवाब के रूप में कार्य करने लगा। क्लियर है? मीर कासिम, अब समझिए, यहां पे मीर कासिम बंगाल का नवाब बना है, और इसे मैं कहूंगा बंगाल का एक योग्य शासक, एक योग्य नवाब है बंगाल का। अब बंगाल का योग्य नवाब क्यों है इसे समझिए। मीर कासिम जानता था कि अंग्रेज जो हैं हमें बार बार परेशान करेंगे, पैसे की डिमांड बार बार होगी, तो अंग्रेजों से बचने के लिए उस समय जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से बदलकर इन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाई। किसको बनाई? मुंगेर को इन्होंने कैपिटल बनाई। राजधानी मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर को राजधानी बनाई, और मुंगेर में वहां पर हथियारों के, बंदूकों के, असला गोला बारूद के उन्होंने कारखाने लगाए। और आज भी बिहार के मुंगेर में आप चले जाइए, आपको बंदूकों की उस समय की फैक्ट्रियां आपको देखने की मिल जाएंगी। ठीक, आज भी बिहार में देखते हैं देसी कट्टा, सुने होंगे ना, गली गली में उधर देसी कट्टा लोग चलाने वाले हैं, बच्चे के पास पता है कि बंदूक कैसे बनती है। ठीक है, तो ये सब बंदूकों का काम उस समय चालू हो गया था।
क्लियर है, समझ में आ रही बातें? तो मुंगेर को अपनी राजधानी कैपिटल बना लिया अंग्रेजों से बचने के लिए। ठीक, अब यहां पर अंग्रेज मीर कासिम पर दबाव बनाने लगे कि भाई आपको जो राजस्व मिल रहा है वो हमें दीजिए, और मीर कासिम सीधे से मना कर देता था अंग्रेजों को। इसके अलावा जब मीर कासिम ने अंग्रेजों के ऊपर टैक्स लगाया, ठीक है, कि अब मुक्त व्यापार आप नहीं कर सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तब अंग्रेजों ने टैक्स देने से जब मना किया तो मीर कासिम ने कहा कि अंग्रेजों को अगर व्यापारिक छूट मिलेगी तो भारतीयों को भी मिलेगी, और भारतीयों के उसने व्यापारिक छूट प्रदान कर दी। इस प्रकार से बेहतरीन उसने शासन प्रशासन में अपनी कमांड बनाई, नियंत्रण बनाया, और इस नियंत्रण को देखते हुए अंग्रेज समझ गए कि मीर कासिम मीर जाफर की तरह नहीं है, तो मीर कासिम को भी क्या करेंगे अंग्रेज, हटा देंगे। और मीर कासिम को जब हटाया गया तब ये मीर कासिम इस बात का बदला लेने जाएगा मुगलों के पास और अवध के शासक के पास, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब मीर कासिम को हटाया गया तो अगला फिर से मीर जाफर को फिर सत्ता में बैठा दिया गया, और जब ये मीर कासिम नवाब के पद से जब इसे हटाया गया तब मीर कासिम उस समय तत्कालीन मुगल शासक के पास जाएगा, तत्कालीन मुगल शासक के पास जाएगा, और अब जो लड़ाई होगी उसे हम कहेंगे क्या, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ बक्सर युद्ध होने वाला है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या बक्सर का युद्ध हमें देखने मिलेगा 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर में अगर देखें तो तीन लोग हैं यहां पर लड़ने वाले, एक है बंगाल का अपदस्थ नवाब जिसे पोस्ट से पद से हटा दिया गया, और वह है मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक, दूसरा है मुगल शासक शाह आलम, मुगल शासक दिल्ली से। ठीक, तीसरा है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, अवध। क्लियर है यहां तक चीजें? तो यहां पर तीन लोग हैं, मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने कमान संभाली, और यहां पर अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का नेतृत्व इसने किया, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का इसने नेतृत्व किया। और यह जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों को जीत हासिल हुई, और मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला तीनों के तीनों पराजित हुए इस युद्ध में हार गए। ठीक, तो बक्सर के युद्ध में किनकी जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। दो लड़ाइयां हो गई, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध का परिणाम बहुत ही भयंकर रहा, बहुत ही भयंकर, क्योंकि इस समय बक्सर के पहले तक तो प्लासी का युद्ध जीता गया था, और प्लासी के युद्ध में केवल केवल बंगाल पर इनकी जीत थी। अब यहां पर देख रहे हैं मुगलों पर, और अवध के नवाब को भी इसने हरा दिया, मतलब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल दिल्ली तक हो गया, और अब यहां पर आगे चलकर एक संधि इनको करवाई जाएगी मुगलों के साथ और अवध के नवाब के साथ, उस संधि को हम कहेंगे इलाहाबाद की संधि, एक संधि होगी इसके बाद, उसे हम कहेंगे क्या, इलाहाबाद की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगा वर्ष 1765 में, अगले साल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये इलाहाबाद की संधि करने के लिए रहेंगे उस समय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा करवाया जाएगा, और ये संधि होगी शाह आलम के साथ और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ।
क्लियर है यहां तक? ठीक। शाह आलम को उस समय इस संधि के अंतर्गत पेंशन देने की बात कही, इसे पेंशन दिया जाएगा, और साथ ही साथ अवध को बफर स्टेट घोषित किया गया, बफर स्टेट। ठीक, तो यहां पर शाह आलम पेंशन में चला गया, अवध को बफर स्टेट, यानी अंग्रेज जो है अपने सुरक्षा घेरे के रूप में इसका उपयोग करेंगे, यह बात निकल कर आई। ठीक, तो यह इस संधि में हुआ। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध के पश्चात बंगाल में ड्वेल सिस्टम या द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, ड्वेल सिस्टम। ठीक, इस ड्वेल सिस्टम में या द्वैध शासन में होता यह था कि दीवानी के जितने भी कार्य हैं, दीवानी का अर्थ होता है कि कर से राजस्व संबंधित जितने भी कार्य हैं, वह जो है दीवानी से संबंधित कार्य अंग्रेज अपने पास रखते थे। ठीक, टैक्स से रिलेटेड मामले अंग्रेज अपने पास रखते थे, और निजामत नवाब के पास रहते। निजामत का अर्थ है प्रशासनिक कार्य जो है नवाब के पास रहते थे, परंतु रेवेन्यू के सभी मामले अंग्रेजों ने अपने पास रख दिए, और इस प्रकार एक द्वैध शासन की शुरुआत की गई बंगाल में, और शुरुआत करने वाला रॉबर्ट क्लाइव, और आपका बंगाल भी अंग्रेजों के चाल में, जो अंग्रेजों ने चाल चली उसके कारण उनके अधीन आ गया। ठीक, चलिए प्रश्न देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ कौन सी युद्ध में? जवाब बताएंगे, सभी अभी पढ़ लिए हैं तो सभी को आंसर पता होगा, प्लासी के युद्ध में। यहां पर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक, अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक का दर्जा दिया गया? स्वर्ग से उत्पन्न, ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो यहां पर स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, आप बताइए, जिसने पूरे बंगाल को जीता, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, वही तो होगा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अगला है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया, तो यहां पर बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, वॉन्डी वॉर्स है, पानीपत का तीसरा युद्ध है, बताइए कौन सा होगा? निर्णायक युद्ध कह रहा है, लाइन को ध्यान से पढ़िए, युद्ध तो अंग्रेजों के द्वारा दोनों लड़े गए, बक्सर भी लड़ा गया, प्लासी भी लड़ा गया था, वॉन्डी वॉर्स भी लड़ा गया था। ठीक है, परंतु निर्णायक भूमिका किसकी रही? तो निर्णायक भूमिका के रूप में आपको मिलेगा बक्सर का युद्ध 1764 वाला, क्योंकि यही निर्णायक है ना भाई, प्लासी वाले में तो बस उनको पैसे मिलने चालू हुए, परंतु यहां पर जब द्वैध शासन उन्होंने लागू किया तो बंगाल के राजस्व पर, रेवेन्यू पर डायरेक्ट इनका कंट्रोल हो गया। प्लासी तक तो ऐसा था कि भाई अभी क्या है, नवाब के हाथ में कुछ चीजें थी, नवाब से परमिशन लेना पड़ता था, अब परमिशन जैसी चीज भी बक्सर के बाद बिल्कुल नहीं बची, इस कारण से निर्णायक युद्ध कहा गया। ठीक, अगला बताइए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया? ठीक, देखिए इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो परिवर्तन आया उसमें यह देखने मिला कि मोहम्मद रजा खान, पहले तो बता दूं करेक्ट आंसर क्या है, मोहम्मद रजा खान, इसे मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया। इसके अलावा बिहार में दीवानी का कार्य सिताब राय को, और राय दुर्लभ को ओडिशा का क्षेत्र दिया गया, उड़ीसा का। ठीक है, तो दीवानी के कार्य संभालने के लिए अंग्रेजों ने यहां पर अलग अलग अधिकारी रखे थे, जिसमें मोहम्मद रजा खान मुर्शिदाबाद से थे, सिताब राय बिहार से, और राय दुर्लभ ओडिशा से थे। ठीक,
अगला है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए 1760 के वांडीवास में पराजित हुआ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, तो वांडीवास के बैटल में कौन हारा था भी बताइए, तो यहां पे था काउंट दी लाली, काउंट दी लाली। डुप्ले जो है स्टार्टिंग के दो बैटल्स में था, लड़ाइयों में था, परंतु काउंट दी लाली तीसरे तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में शामिल था। ठीक, इसके अलावा है एक क्वेश्चन कि सिख राज्य में अंतिम शासक कौन था, तो दलीप सिंह, दलीप सिंह, इसका भी जवाब ध्यान रखिएगा पूछा जाए तो कभी। ठीक, सिख के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो इसमें हैदर अली, हैदर अली की जीत हुई। याद रखेंगे हैदर अली ने ही, हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की, मैसूर साम्राज्य की नींव रखी थी, नींव रखी थी, और मैसूर साम्राज्य की स्थापना इसने 1761 में की थी। ठीक है, तो मैसूर साम्राज्य का पहला राजा, पहला शासक कौन हुआ था, हैदर अली। और हैदर अली ने सन 1766 से लेकर 69 के बीच में पहली लड़ाई लड़ी थी, पहली लड़ाई। ठीक है, क्लियर है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को सन 1780 में हराया, हैदराबाद में, पोल्लीपुर में, श्रीरंगपट्टनम में, या निजामाबाद में, निजामाबाद में। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या होना चाहिए जवाब, इसका जवाब बताएंगे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे। क्लियर है, तो यहां पर क्या आएगा आपका, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम इसका जवाब होगा, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को सन 1780 में हराया, तो टीपू सुल्तान ने पोल्लीपुर में, पोल्लीपुर में सन 1780 में पराजित किया अंग्रेजों को। अब देखिए दो लड़ाइयां हो गई थी इस समय तक, दो लड़ाइयां, ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ कुछ पॉइंट को। प्रथम आंग्ल मैसूर होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर की अगर बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखने मिलेगा हमें 1766 से लेकर 1769 तक। ठीक, और यह युद्ध होगा मद्रास की संधि के साथ समाप्त, मद्रास की संधि के साथ समाप्त होगा, ट्रीटी ऑफ मद्रास। वैसे अगर बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा की, द्वितीय आंग्ल मैसूर की, द्वितीय आंग्ल मैसूर की, द्वितीय आंग्ल मैसूर की अगर बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर होगा 1780 से लेकर 84 के बीच, 80 से लेकर 84 के बीच, और यहां पर होगी मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि। इसी बीच यह होता है कि 1780 से 84 के बीच की इसी लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान को अगला शासक बनाया जाता है। इसी युद्ध में मृत्यु होगी किसकी, हैदर अली की, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान अगला शासक बनता है। ठीक, अगला देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, तो मैंने बताया कि टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जो है अगला शासक बनेगा हैदर अली के साथ, और टीपू सुल्तान के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाएगा, और इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यहां पर यह लड़ाई जो होगी 1790 से 92 के बीच होगी, और इसमें जो एक संधि होगी उसे कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। ठीक, चलिए देखिए, अब चारों युद्ध को, चारों लड़ाइयों को दिया है, ठीक है, कनेक्ट करना है, और पूछा है कौन सा एक करेक्ट है, कौन सा एक करेक्ट है, देखिए कौन सा एक करेक्ट है,
ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा एक करेक्ट है। पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है, सही जुड़ा बना हुआ है, सही जोड़े बने हुए हैं, ठीक है, बताइए कौन सा करेक्ट है। क्लियर? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था, पराजित नहीं हुआ था, इसलिए गलत है, यह पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित, यह बात भी गलत है क्योंकि हैदर अली इसमें मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अपना युद्ध जीता और भूभाग पर अंग्रेजों को नहीं दिया, नहीं, ये बात गलत है, इसमें टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं पराजित होता हुआ नजर आया था और अपना भूभाग जो है अंग्रेजों को उसने दे दिया था, तो यह बात भी गलत है। लास्ट देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा 1799 ईस्वी में, इस 1799 के युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान पराजित हो जाएगा और युद्ध के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और चतुर्थ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ही टीपू सुल्तान एक लाइन कहता है कि मैं एक दिन की शेर की तरह जीवन या जिंदगी जीना पसंद करूंगा, ना कि 100 दिन की जिंदगी मुझे ऐसी मिले जिसमें मैं एक भेड़िया की तरह जीवन, यानी भेड़िया की तरह मैं जीवन गुजारना पसंद कभी नहीं करूंगा, भले मुझे एक दिन की शेर की तरह जिंदगी मिले। और इस तरह उन्होंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब उतरे तो वहीं उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, और इस प्रकार मैसूर वंश भी समाप्त हो गया। ठीक, चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का, ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और आप देंगे, बताइए क्या होगा इसका जवाब। ठीक, ध्यान से देखिए, कमेंट सेक्शन में सभी को इसका जवाब देना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जवाब आपको देने हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, चलिए, अब जो है हम ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में मराठा को जान लिए हैं, बंगाल को जान लिया और थोड़ा मैसूर के बारे में भी जानकारी हो गई। अब ब्रिटिश साम्राज्य जब यहां पर स्थापित हो गया, देसी रियासतों को इसने पराजित कर दिया, इसके पश्चात हमको देखने मिलेगा कि अब जो है ब्रिटिश गवर्नर आएंगे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल आएंगे और ब्रिटिश वायसराय आएंगे, और धीरे धीरे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जिन चीजों पर हम लोग जहां पर टॉपिक पहुंचा है वहां तक आप ध्यान से पढ़िए, एक दो बार रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के पश्चात और भी प्रश्नों को हल कीजिए। यह पीडीएफ आपको मिलेगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऐप में, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के कोर्सेज वाले सेक्शन में आप जाइए, वहां पर आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं, मिलेंगे अन्य वीडियो में, आगे की वीडियो में, धन्यवाद।